एसएससी के परीक्षा में प्रशासनिक गलती के विरोध में बीएचएस में प्रतियोगी छात्रों ने किया हंगामा। सभी लोग प्रेजेंट थे ना? कब हुआ था, डेट क्या थी? 27 और 10 यानी 20, 27 और 10 वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका मॉर्निंग शिफ्ट में वो लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जो कॉल लेटर भेजे गए थे वो केवल इवनिंग वालों को भेजने थे। रुक जाओ यार, सुनो पहले, रुक जाओ, अभी पहले पूरी बात सुन लो। मॉर्निंग और इवनिंग वालों को, दोनों को गलती से लग गया था, केवल इवनिंग वालों को बुलाया गया था, ठीक है। तो जब कॉल लेटर लग गए, उसके बाद जब पता चला कि ये दोनों का लग गया, तो एक नोटिस उस पर लगाया गया कि केवल इवनिंग वाले आएंगे, मॉर्निंग वालों को आने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो पहले वाला था वही वैलिड है, उनको दोबारा एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। सर वो नोटिस कौन सी डेट में लगाया? वो नोटिस लगाया गया और एसएमएस भी सबको भेजा गया था। ये ऐसा है सर कि 27 अक्टूबर 2013 को हम लोगों का एसएससी डाटा एंट्री का एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि हम लोगों ने भागलपुर एसएम कॉलेज सेंटर पर दिया। सब लोगों के आज से 20 दिन पहले रिजल्ट अनाउंस हुई, जिसमें हम लोगों का रिजल्ट नहीं था। हम लोगों के लिए री एग्जामिनेशन का जो है नोटिस दिया गया, पर्सनली सबको मैसेज दिया गया, पर्सनली सबको कॉल किया गया कि आप लोगों का 30 तारीख को बीएचएस में इलाहाबाद में एग्जाम होना है। तो हम लोग सब शुक्रवार को ही यहाँ पे आए, सब लोग थे। आज सवेरे जब 8 बजे हम लोग सेंटर पर पहुंचे सर, तो यहाँ पे क्या करा उन लोगों ने, जब देखा हम लोगों ने लिस्ट में, तो रोल नंबर हम लोगों का कहीं सटा हुआ नहीं था, कहीं चिपका हुआ नहीं था। हम लोगों ने जब बात करा तो एक जो आदमी थे वहाँ, मैं नाम नहीं जानता हूँ, ऐसे थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हम एसएससी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सो आप लोग बताइए क्या परेशान है। हम लोग, सर हम लोगों का रोल नंबर नहीं सटा। उन्होंने कहा कि आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा सीधे तौर पे। मतलब क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा कि नहीं, उस जो आप लोगों की कॉपी है वो मिल गई है। तो हम बोले सर मिल गई का क्या मतलब? तो बोला कि पता नहीं यार, देखो गुम हो गई है। जल्दीबाजी उन्होंने कहा, घबरा के, कि गुम हो गई थी, तो जिनकी नहीं मिली है उनकी, उनका एग्जाम है, आप लोगों की मिल गई, आप लोगों का रिजल्ट इनके एग्जाम के बाद अनाउंस होगा। तो हम लोगों ने कहा कि सर, तब हम लोगों को जो इतना बुलाया गया, और आपने देखिए ये सर साफ आप देख सकते हैं कि देखिए आप री एग्जाम सर ये लिखा हुआ है, ठीक है, री एग्जाम लिखा हुआ है। कॉल लेटर के बारे में पूछा कि हम लोगों को, ठीक है जब मिल गई कॉपी तो हम लोग को एडमिट कार्ड क्यों भेजा गया? अभी क्या बताया गया, क्या मामला है, क्या करेंगे जी? तो इन लोगों ने अभी इंस्पेक्टर साहब आए, प्रशासन को फोन किया, हम लोगों ने मीडिया को फोन किया, जब अभी मीडिया वाले के सामने प्रिंसिपल साहब सवेरे से बात नहीं किए। हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा था कि डायरेक्टर से बात करेंगे, पर डायरेक्टर भी नहीं आए, और उल्टे अभी हम लोगों को फंसाया जा रहा, हम लोगों को धमकी दिया गया कि जेल भेज देंगे सब लोगों को, सबका करियर बर्बाद कर देंगे, ऐसा एडमिट कार्ड फाड़ा गया सर। अभी हम लोगों ने कहा कि या तो हम लोगों का सर री एग्जाम कराइए, टोटल का कैंसिल करा के, क्योंकि कैंडिडेट एक हो, एग्जाम में गड़बड़ी हो, सबका एग्जाम।